गाइस, आई एम रूंटी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक मैजिकल तरीका शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, घर पे मैं आज आपको बताऊंगी, ये कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी देके बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद ढूंढी है और मैं घर पे इसको बना के देखा, मैंने यूज़ किया, दो बार ट्राई किया और मेरे को दो बार ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, तब जाके मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। घर पे आप पार्लर जैसा हेयर स्पा कर सकते हो और वो भी बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ किए। आपको कुछ नहीं खरीदना है, सिर्फ घर के दो चीज़ को यूज़ करना है। और जैसा कि बाकी लोग करते हैं, हेयर स्पा क्रीम बनाते हैं तब उसमें कंडीशनर, सीरम, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ घर के दो चीज़ों से इसको बनाऊँगी, कोई केमिकल चीज़ इसमें नहीं रहेगी। आप इसको अपने स्कैल्प से लेके हेयर टिप तक अप्लाई कर सकते हो, अपने बालों को बिल्कुल मजबूत बना सकते हो, और अगर आप इस हेयर मास्क को रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ जाएगी। कैन यू बिलीव, हेयर स्पा करने के बाद आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ सकती है। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी हेयर स्पा करना। और इसको अगर आप वीक में एक बार करके भी यूज़ करते हो ना, तो आपके बालों में जो डिफरेंस आएगी वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप मुझे अपना वीडियो, फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, मैं वो वीडियो ज़रूर देखूंगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ मैंने ढूंढी है, उसको आप लोग भी यूज़ कर रहे हो, आप लोगों को भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत बातें कर ली, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप मेरे कोई भी वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको करनी है ऑयलिंग। इसके लिए आप ले लीजिए कोकोनट ऑयल या फिर जो ऑयल आपका फेवरेट है वो ऑयल आप ले लीजिए। वो ऑयल प्रोसेस नहीं है तो अच्छा है, कोई ऐसे ऑयल ले लीजिए जो थोड़ा सा प्योर हो, जिन कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल या फिर सेसम ऑयल ऑयल यूज़ करना। और इसको थोड़ा सा आप हल्का सा वर्म कर लेना, पानी गर्म कर लीजिए और उसके ऊपर एक से दो मिनट के लिए रख दीजिए, इससे आपका जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा। ऑयल में उंगली डुबा के देखना कि ऑयल बस हल्का सा गर्म हो, जिसको आप अपने स्कैल्प में आराम से यूज़ कर सको, आपका स्कैल्प जले ना। इसके बाद आपको अपने बालों को देना है स्टीम, जिसके लिए आप कोई माइक्रोफाइबर टॉवल ले लीजिए या फिर पुरानी टी शर्ट और उसको उस गर्म पानी में ही डुबा दीजिए और उसको अच्छे से निचोड़ के उसका पानी निकाल लीजिए और उसको अपने बालों पर रैप कीजिए। एवरी टॉवल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, उससे आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे। और ऐसे ही 5 मिनट के लिए रखने के बाद आप टॉवल को खोल दीजिए और अब टाइम है बालों को वॉश करने का। तो बालों को वॉश कर दीजिए शैम्पू से, अपने फेवरेट शैम्पू का आप यूज़ कीजिए। कोशिश कीजिएगा कोई माइल्ड शैम्पू यूज़ करना जिसमें केमिकल कम से कम हो। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। जब हमारा हेयर 90% सूख जाएगा तब हम अप्लाई करेंगे मास्क को। तो तब तक हम देख लेते हैं मास्क को बनाना कैसे है। आपको बस दो चीज़ लगेंगे अपने ही घर से, आपको बाहर से कुछ नहीं खरीदना है। आपके घर में चावल तो होता ही है और मिल्क, आपको चाहिए 1 ग्लास बराबर मिल्क। सबसे पहले मैं एक पतीला ले रही हूँ, पतीला बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें हमें दूध को गर्म होने के लिए रखना है। अब आप जितना अमाउंट में चावल लोगे, जैसे आप खीर बनाते हो बिल्कुल प्रोसेस सेम है, पहले आपको दूध को गर्म करना है और उसमें आपको दे देना है 1/2 कटोरी बराबर चावल। ये चावल मेरे घर के है इसलिए मैंने धोया नहीं, डायरेक्ट मैं दे रही हूँ। अगर आप मार्केट वाला चावल लेते हो तो आपको अच्छे से वॉश करके फिर उसको दूध के अंदर डालने हैं और इसको अच्छे से बॉयल करना है, जब तक ये चावल अच्छे से पक ना जाए तब तक। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तब आपको लो फ्लेम कर देना है और धीमी आंच में इसको पकाना है, और बीच बीच में आपको चेक कर लेना है कि चावल पके हैं कि नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी चेक किया तो मेरे को लगा चावल थोड़े से और पकने चाहिए, चावल बिल्कुल गल जाए तो अच्छा है। मैंने इसके बाद धीमी आंच में और 5 से 7 मिनट इसको बॉयल किया और बीच बीच में आपको इसको हिलाते रहना है ताकि नीचे लग ना जाए, ये जल ना जाए। और जब मुझे लगा कि चावल ऑलमोस्ट पक गए हैं तब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया और इसको ठंडा कर लिया। फिर मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड करके इसको छन्नी की मदद से मैं इसको छान रही हूँ ताकि ना इसके अंदर कोई भी चावल का दाना रह ना जाए जो हमारे बालों में फंस जाता है। एकदम क्रीमी टेक्सचर निकल के आया है, जैसा हम मास्क या फिर स्पा क्रीम यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसा। तो अभी ये बिल्कुल यूज़ के लिए रेडी है, इसमें हमें और कुछ भी नहीं मिलाना है।
आपने देखा मैंने कोई केमिकल चीज़ इसमें अप्लाई नहीं की। जब मैंने इसको टच किया मुझे इसको खाने का मन कर रहा था, इतना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आया था इसका, और इसे मैं खा भी सकती हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। बारी है मास्क को अप्लाई करने की। सो इस मास्क को आप अपने स्कैल्प में भी यूज़ कर सकते हो और अपने पूरे हेयर पे, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है। सो जैसा आप कंडीशनर के टाइम पे या फिर स्पा क्रीम के टाइम में करते हो, अपने स्कैल्प को छोड़ के नीचे वाले हेयर पे अप्लाई करते हो, इस बार ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये जो मास्क है ये आपके हेयर ग्रोथ को भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें है राइस और मिल्क जिसमें प्रोटीन ज़्यादा करके है, और ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके बालों को हेल्दी भी बनाएगा। इसको अप्लाई करना भी बहुत ईजी है। बालों को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और अच्छे से सुलझा लेना, फिर छोटे छोटे सेक्शन निकाल के और थोड़ा थोड़ा करके पेस्ट लेके आप इसको अप्लाई कीजिए। पहले आप स्कैल्प में अप्लाई करके फिर बालों में भी कर सकते हो, पर मैं पहले बालों में अप्लाई कर रही हूँ। और छोटे छोटे सेक्शन को जब आप कवर कर लोगे तब आप पूरे बालों को एक साथ में कर लेना, तो इसमें क्रीम भी कम लगता है, नहीं तो बहुत सारा क्रीम लग जाएगा। मेरा हेयर काफ़ी लंबा है, अगर आप ज़्यादा क्रीम बना लेते हो तो आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो, दो तीन दिन बाद आप फिर से इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पार्लर से हेयर स्पा करवाया है तो आपको पता चलेगा इस प्रोसेस को करने के बाद कि बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट आपको मिल रहा है। ऑल्सो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, आप घर पे खुद से कर सकते हो इस प्रोसेस को। आपके बाल बच जाएंगे, उसमें कोई केमिकल नहीं जाएगा, ऑल्सो आपके बहुत सारे पैसे भी सेव हो जाएंगे। पूरे बालों पे मास्क अच्छे से अप्लाई करने के बाद एक घंटा इसको बालों में छोड़े और फिर आप हेयर वॉश कर सकते हो। आप पहले नॉर्मल पानी से बालों को अच्छे से वॉश कर दीजिए, फिर आप चाहो तो शैम्पू वॉश कर सकते हो। अगर आपका मन नहीं है तो आप ऐसे ही बालों को छोड़ सकते हो। अब बारी है देखने की कि रिजल्ट कैसा आया है। सो गाइस ये रहा है रिजल्ट। सो बाल सूखने के बाद आप देख ही सकते हो, आपके सामने है, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी बन गए हैं। जब मैंने हेयर को कोम किया बिल्कुल भी टैंगल नहीं था बालों में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है, तो आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें और मेरे साथ आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।